वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। क्या आपको पता है 22 अगस्त 2021 को हुए थे आपके टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन? तो इनकी जो आंसर की है वो हो चुकी है रिलीज। अगर आप इस आंसर की के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है एलिजिबिलिटी चेकर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड तक ही है, सो इसका ऑफर का जल्द से जल्द आप फायदा उठाएं। So, बात करते हैं इनके आंसर की के बारे में। So, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है आंसर की है आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट ए के बारे में। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में आपके जो वन से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस 25 तक, तो कुछ इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एक बार टैली करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा आंसर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर्स देख लीजिए, एस्टिमेशन ला लीजिए, लगा लीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही हैं कितने गलत हैं। तो बेसिकली 15 का भी यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिया गया है और बाकी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स दिए गए हैं। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड रो की अगर बात करें तो 26 से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 50 तक। ठीक है, 50 तक हुए तो आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि कुछ इस तरीके से जो है आपके आंसर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये आपके सारे राइट आंसर्स हैं। 51 यानी कि थर्ड रो पे अगर देखते हैं 51 से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन 75 तक। तो इस तरीके से जो है आपके आंसर्स हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से आंसर्स अभी टिक ले पाए हैं। देन 76 से अगर बात करते हैं 100 तक, यानी कि आपको जैसे कि मालूम है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे और उनके कुछ आंसर्स इस तरीके से हैं। इसमें आपको 98 क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया गया है, बाकी सारे आंसर्स आपको यहाँ पर बताए गए, मतलब कि 98 क्वेश्चन में जो है कंफर्म आंसर नहीं था इसलिए आपको नहीं बताया गया। सो ये था सेट ए के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें सेट ए मिला था एग्जाम में उनकी जो आंसर शीट है वो कुछ इस तरीके से है। और हर एक सही आंसर के लिए आपको क्या मिलेगा, एक मार्क्स मिलेगा, यानी कि 100 मार्क का ये क्वेश्चन पूरा पेपर था जो कि आपको अटेम्प्ट करना था। अब बात करेंगे हम बुकलेट सीरीज बी के बारे में, यानी कि सेक्शन बी के बारे में अगर बात करते हैं जिसको सेट बी मिला। रो वन में देखें तो जहाँ वन क्वेश्चन से स्टार्ट होते होते 25 क्वेश्चन तक ये है और कुछ इस तरीके से आपके जो आंसर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये सारे आपके सही आंसर्स हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो देखेंगे जिसमें 26 से शुरू होता है 50 तक ये है और इस तरीके से आपके जो सारे राइट आंसर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 51 से लेके 75 तक देखें तो यहाँ पर भी आपके कुछ जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से, तो इसमें आपको सारे आंसर बता रखे हैं मोस्ट ऑफ दी, बस 95 का आंसर आपको नहीं बताया गया और साथ के साथ 78 का भी आंसर आपको नहीं बताया गया है, बाकी सारे आंसर्स आपको यहाँ पर टैली करके बताए गए हैं 100 तक। तो आप इन्हें एक बार देख सकते हैं कि आपने कौन से आंसर्स टिक लगाए हैं। उसके बाद बात करेंगे सेट बी सी के बारे में, तो सेट सी में जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 25, तो कुछ इस तरीके से आपके सारे राइट आंसर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। रो टू देखें तो इसमें जो है 26 से 50 तक आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके ये सारे राइट आंसर्स हैं। देन 51 से 75 तक देखें तो ये आपके सारे राइट आंसर हैं और इसमें आपको 58 क्वेश्चन प्लस 75 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है। ठीक है, बाकी सारे आंसर्स आपको जो बताए गए हैं बिल्कुल सही हैं। देन 76 से लेके 100 तक क्वेश्चन तक के आंसर्स आपके ये हैं सारे। सो बाकी आपको मैं ये वीडियो के थ्रू भी बता रही हूँ, बट अगर आपको ये जो पीडीएफ है पर्सनली चाहिए तो ये जो पीडीएफ है हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ इन पर्सनली भी पा सकते हैं, तो आपको उससे बहुत ईजी होगा अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें टैली करने में। बाकी आप वीडियो के थ्रू भी अपने जो आंसर्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेट जिसे सेट टी की हम लोग बात करते हैं, तो 1 से लेकर अगर हम क्वेश्चन देखें 25 तक, तो कुछ इस तरीके से आपके जो राइट आंसर हैं वो दिए गए हैं। 26 से 50 तक देखते हैं तो ये आपके सारे राइट आंसर हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको 48 का आंसर नहीं बताया गया है। 51 से देखते हैं 75 तक तो ये आपके सारे राइट आंसर हैं, टैली कर लीजिए आप, और 65 का आपको आंसर नहीं बताया गया। और 76 से अगर स्टार्ट करते हैं 100 तक, तो आपके कुछ जो आंसर्स हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये सारे आपके राइट आंसर हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से आंसर आपने सही किए, कौन से आंसर आपने गलत किए हैं और आपको एक एस्टिमेशन मिल गया होगा कि मैं अपने एग्जाम में इतना स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सबने अपना बेस्ट दिया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। सो ये थे आपके आंसर्स। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब।
अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, और साथ के साथ हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी हमारा आप नंबर ये देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आती है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में तो हम आपके सामने इस पोस्ट के रिगार्डिंग लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे, तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।